Hi everyone, this is Aman Tilak from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. आज के इस वीडियो में आपका एक सबसे ज्यादा आस्क्ड सवाल, क्या मैं एम्स क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं. मैं इसको बहुत क्लियरली आपको चीजों के साथ, फैक्ट्स के साथ बताना चाहूंगा. आई विल नॉट शुगर कोट इट, आई विल टेल यू द रियलिटी द वे इट इज, ना 1% ज्यादा ना 1% कम. ठीक है, तो सबसे पहले यार दी वेरी फैक्ट, और ये आपका बार बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो एक साल पुरानी बात हो, दो साल पुरानी बात हो, ये बार बार आपका क्वेश्चन आता है. दैट इज वाई आई एम आंसरिंग दिस. अगले 2.5 महीने में आपका नीट का एग्जामिनेशन भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फेस ऑफ विद द रियलिटी. ठीक है, अब यू ऑल नो दिस एंड आई थिंक आई शुड जस्ट टेल दिस वंस मोर सो एज टू एम्फसाइज इट्स इंपॉर्टेंस, दैट देयर आर 50 जनरल कैटेगरी सीट्स इन एम्स न्यू दिल्ली. नाउ अ टोटल ऑफ 15+ लाख्स, मे बी 17 लाख्स और मे बी 18 लाख्स दिस ईयर, है ना, पीपल सिट फॉर द नीट एग्जामिनेशन, एंड दैट एक्चुअली मीन्स की रेशियो इज 1:30,000. अब 1:30,000 का सिंपल शब्दों में दी रेशियो इज समवॉट लाइक, आप मान के चलो यार, अगर आपकी एक क्लास है 30 बच्चों की, ऐसे 100 क्लासेस, मतलब कि आप मान के चलो एक स्टेट ले लो, है ना, इंडिया में जितने स्टेट्स है, हर एक स्टेट से मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं ऑन एन एवरेज किसी भी स्टेट से एम्स के लिए, है ना. नाउ दैट इज द रेशियो विच यू नीड टू हैव. सो यहां पर सिंपल फैक्ट ये है कि बहुत 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 मुश्किल है ना. एंड कोई भी बंदा तुम्हें बोल रहा है कि यार इस चीज से एकदम गारंटी तुम्हारा एम्स दिल्ली मिल जाएगा, तो दैट इज नॉट समथिंग फीजिबल. अगर आप AIR 1, आई हैड अ डिस्कशन ऑन दिस चैनल इटसेल्फ उन बच्चों के साथ जिनके 710-715 भी आए हैं, है ना, 720 भी आए हुए हैं, है ना, पिछले साल आई हैड अ डिस्कशन. सो इवन दे से द सेम थिंग, उनको भी नहीं पता था कि क्या उनका एम्स में सिलेक्शन हुआ, क्या उनकी टॉप 50 में रैंक आएगी. हाँ, उनका अच्छे नंबर थे, वो उनको डेफिनेटली पता था उनके 670+, 680+ नंबर आ रहे थे, लेकिन 720 में 720 आने वाला है, 710 आने वाला है, दैट इज नॉट समथिंग जो कि किसी के भी हाथ में होता है ना. इट इज मैटर ऑफ हार्डवर्क, एंड अपार्ट फ्रॉम हार्डवर्क देर इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हार्डवर्क दैट इज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लक दैट इज देयर. सो जस्ट थिंक दिस वे कि टॉप के ना 500 लोग 1000 लोग जो है ना, वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, और वो दिन जिसका अच्छा था हो सकता है उसके 710 नंबर आ जाए, हो सकता है किसी का 700 पे रहकर सिलेक्शन रुक जाए, है ना. सो दैट इज द फैक्ट. नाउ व्हाट शुड बी योर रोड और पाथ इफ यू आर एमिंग फॉर सम ऑफ द वेरी बिग बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस. द बेस्ट थिंग इज कि आज की डेट में यार केवल नीट एग्जामिनेशन है, एक एग्जाम है, दैट इज गोना मेक और ब्रेक योर करियर इन दिस मैनर ऑफ इन जो मैं बोलता हूँ मेक और ब्रेक योर करियर इन द सेंस कि आपका जो डॉक्टर बनने का करियर है. फाइन, नाउ फॉर कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हो सकता है बहुत अच्छा चला जाए नीट वाला दिन, होता है ऐसा लोगों के साथ, ऐसा नहीं होता है. कुछ बच्चों के 350-400 नंबर आते रहते हैं, नीट वाले दिन 550 आ जाते हैं. दूसरा भी चीज होती है जिनके 650-700 के आसपास नंबर मॉक टेस्ट में आते हैं, नीट वाले दिन 450-450 हो जाते हैं. दैट हैपेंस, बट ऐसा नहीं होता है किसी बच्चे के 300 नंबर आ रहे होते हैं और नीट एग्जाम में उसके 720 में 720 आ रहे हैं. अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कहीं पेपर लीक्ड है, फिर कुछ ना कुछ देर इज समथिंग वेरी रॉन्ग, है ना. तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल है. देखो जो नीट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ाई करनी है आपको एम्स के लिए, ठीक है. अब यहाँ पर सिंपल सी चीज है, कुछ आपको यार 3 ऐसे पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ जो कि एकदम अपने दिमाग में रख लो. अगर आप एम्स के लिए आप सोच भी रहे हो, मतलब दीज आर समथिंग एसेंशियल्स विच यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर. पहला, 100 चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मिलाकर, आपको एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है. अगर आप एक भी चैप्टर छोड़ रहे हो तो उससे हो सकता है 2 या 3 सवाल आ जाए नीट में, 705+ जा रहा है कट ऑफ, तो हो सकता है यार एम्स तो भूल ही जाओ आप. अगर परफेक्शन के साथ भी चले गए तो भी नहीं होगा. दूसरा, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है कि क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से बबल करना है. अब मैंने ये नहीं बोला कि यार यहाँ पर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, यार पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे हैं, या जो 720 में 720 जिसका भी आने वाले होते थे लेट से, भाई अगर उसने 5 बबलिंग मिस्टेक गई खत्म, मतलब एंड्स देयर. हो सकता है वो बहुत 30 मार्क आन हो, लेकिन
नहीं होगा फिर यार, तो बबलिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है और वो मॉक पेपर में आप OMR शीट ला के करो. दिस इज द सेकेंड थिंग जो कि मतलब एकदम क्रूशियल है, मतलब आप टॉप मोस्ट अगर मेडिकल कॉलेजेस के लिए कर. तीसरा जो सजेशन ये है वो ये है कि आप जो है दैट इज समथिंग एक डिफरेंट है पिछले साल से इंट्रोड्यूस हुआ, जो सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस है. यू हैव टू हैव दिस थिंग कि भाई जब आप सेक्शन बी को अटेम्प्ट कर रहे हो तो यू हैव अ फिक्स अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे चूज करने, क्योंकि टाइम एक लिमिटेड है. हो सकता है कि यार 15 सवाल थे सेक्शन बी में, आपने 10 में से आपके 8 सही हुए, लेट्स से. हो सकता था जो आपने 5 छोड़े थे उसमें से एक सवाल ऐसा होता जिसकी वजह से आपके 10 में 9 सही हो जाते. सो दैट चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको समझना है कि हर एक जो क्वेश्चन है उसका प्लस 4 माइनस 1 वेटेज है. तो हो सकता है वो आप सेक्शन बी की ऐसी बात है कि हो सकता है कि आप 5-6 मिनट में लगाकर एकदम वो बहुत मुश्किल सवाल आप उसे सॉल्व कर लो. ऑन दी अदर हैंड दूसरा बंदा जो उसको चूज ही ना करे, दूसरा आसान से सवाल कर ले और उसकी रैंक तुमसे ज्यादा अच्छी आ जाएगी क्योंकि उसने टाइम भी सेव कर लिया. तो सेक्शन बी इज द की थिंग, है ना. तो दीज आर 3 ऑफ माई वेरी इंपॉर्टेंट सजेशंस इफ यू आर प्लानिंग, इफ यू हैव अ रोड मैप टू एम्स और रोड मैप टू एनी बेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस, है ना. एंड अ टारगेट ऑफ 670-675 प्लस इज सफिशियंट जो आप एम करो. 700 प्लस टारगेट ऐसे मत करो बिकॉज समथिंग दैट इज मतलब आप डेफिनेट के साथ नहीं बोल सकते. इट इज सेम थिंग एज सेइंग कि भाई मैं कॉइन टॉस करूंगा और उसमें हेड्स हेड्स ही आ जाएगा 4 बार. दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना. नाउ द पॉइंट इज कि यू स्टडी द वे यू हैव बीन. जस्ट मैंने चीजें इसलिए बता दी कि यार आप एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ो और आपको एक चीज यार एक रियलिटी के साथ भी एहसास रहे. बट बहरहाल माई ऑल दी बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन. और आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पर कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए सेक्शन बी, वो भी एम्स के टॉपर जिन्होंने 2021 का पेपर अटेम्प्ट किया था, वो चाहिए, है ना. साथ मतलब कैसे अटेम्प्ट किया, 710 नंबर प्लस जिसके भी आए होंगे, है ना, उसके साथ मैं साथ में वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए. नीचे कमेंट कर देना कि सर प्लीज मेक दी नेक्स्ट वीडियो ऑन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. यूजुअली पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो लोग चाहते हैं 10 दिन पहले एग्जाम से, जो कि मेरे को बहुत गलत लगता है. इट शुड कम मच अर्लियर देन दैट, है ना. सो जस्ट कमेंट बिलो, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड, शेयरिंग इज केयरिंग यार. ग्रुप्स में यार डाल देना. एक क्लियर चीज मैंने बताई, एक ऑनेस्ट ओपिनियंस ऑनेस्ट फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं. तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय.